कमिंग टू द क्वेश्चन, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर विदाउट टेकिंग इंटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन. इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन डेट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन. तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन है, एक हमारा एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक है. दोनों ही 132 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है मैसूर से लेके बैंगलोर तक का, ठीक. ये हो गया हमारा फर्स्ट केस में. और इसमें बताया गया है एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटा कम लेती है वो डिस्टेंस कवर करने के लिए. 132 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर कम लेती है किससे, एज कम्पेयर टू पैसेंजर ट्रेन. पैसेंजर ट्रेन के कंपैरिजन में एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 आवर कम लेती है 132 किलोमीटर ट्रेवल करने में. ये फर्स्ट कंडीशन था. सेकंड कंडीशन क्या है, अगर स्पीड दिया हुआ है एक्सप्रेस ट्रेन का 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन डेट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, मतलब अगर 1 घंटे में जिस स्पीड से एक्सप्रेस ट्रेन जा रही है वो 11 किलोमीटर पर आवर अगर कवर करती है ज़्यादा किससे, पैसेंजर ट्रेन से, तो हमें एवरेज स्पीड दोनों ही ट्रेन का निकालने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में. तो सबसे पहले हम लोग एजम्पशन की तरफ जाएंगे. तो हमारा एजम्पशन क्या होगा, लेट द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है. तो एक्सप्रेस ट्रेन का क्या हो जाएगा स्पीड, देन फॉर एक्सप्रेस ट्रेन के लिए स्पीड क्या हो जाएगा, जैसा आप देख सकते हैं 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा स्पीड से जा रही है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 11 किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस है हमारा 132 किलोमीटर. तो टाइम टेकन T1 क्या हो जाएगा फर्स्ट केस के लिए, मीन्स पैसेंजर ट्रेन के लिए क्या हो जाएगा टाइम टेकन, डिस्टेंस बाय स्पीड मीन्स 132 अपॉन एक्स, ठीक है. और टाइम टेकन जो हम लेंगे T2 किसके लिए, एक्सप्रेस ट्रेन के लिए, वो क्या होगा, डिस्टेंस सेम है 132 अपॉन एक्स प्लस 11. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो सेम ही है, टाइम टेकन जो लिया जा रहा है पैसेंजर ट्रेन के थ्रू वो क्या है, जो एक्सप्रेस ट्रेन आपका टाइम टेकन कवर कर रही है 132 अपॉन एक्स प्लस 11 प्लस 1 मीन्स 1 आवर लेस कवर कर रही है किससे, पैसेंजर ट्रेन से. तो ये राइट हैंड साइड का जो फैक्टर है 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, ये हो जाएगा 132 अपॉन एक्स माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1. दिस इम्प्लाइज अगर हम लोग इसके एलसीएम ले लें एक्स इंटू एक्स प्लस 11 का क्या आएगा, 132 इंटू एक्स प्लस 132 इंटू 11 कितना हो जाएगा 1452 माइनस 132 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट स्टेप में अगर हम ये राइट डिनोमिनेटर के फंक्शन को राइट हैंड साइड में ले जाकर के मल्टीप्लाई करें क्या रिजल्ट आएगा, उससे पहले 132x और माइनस 132x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 1452. दिस इक्वल्स टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x इंटू 1, करेक्ट. इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दे तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x 1452 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे हम चेकआउट करें 1452 का अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं एलसीएम फैक्टर, तो हमें दो फैक्टर क्या मिलता है 44 और 33. 44 और 33 का जो डिफरेंस होगा वो क्या आ रहा है हमारा 11, लेकिन डोमिनेंट फैक्टर क्या है पॉजिटिव साइन. पॉजिटिव साइन किसका होना चाहिए, बिगेस्ट नंबर का, बिगेस्ट कौन है 44. इसको अगर हम लोग फर्दर इवेलुएट करें तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 44x
-33x -1452 इज इक्वल टू 0। फर्दर इसको इवेल्युएट करें, यहाँ से x की वैल्यू कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 44, माइनस 33 अगर कॉमन लेते हैं ये हो जाएगा x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। इसको अगर फर्दर इवेल्युएट कर ले तो यहाँ पे हमें दो फैक्टर मिल रहे हैं, एक x प्लस 44 का फैक्टर मिल रहा है, दूसरा फैक्टर क्या मिल रहा है, x माइनस 33। तो ये जो x प्लस 44 है ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और दूसरा फैक्टर x माइनस 33 जो कि इक्वल टू 0। तो देयरफॉर यहाँ पे x की एक वैल्यू आएगी माइनस 44 और x की दूसरी वैल्यू क्या होगी 33। तो जैसा कि हमें पता है स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो x नॉट इक्वल टू माइनस 44, एक जो वैल्यू आई है x 33 वो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन हो गया आपका 33। तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू कितना हो गया 33 किलोमीटर पर आवर, ठीक। एंड एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे x प्लस 11। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 33 प्लस 11 इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। तो जो हमने कंडीशन ऊपर लिखे थे उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन था उसको सिंप्लीफाई करते हुए जो हमें x की वैल्यू मिली मीन्स स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन वो कितना आया 33 किलोमीटर पर आवर, उसी के मुताबिक स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन का हमारा स्पीड कितना हुआ 44 किलोमीटर पर आवर। कमिंग टू द क्वेश्चन, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर्स इज 468 स्क्वायर मीटर, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। यहाँ पे क्या दिया हुआ हमें, दो स्क्वायर से उनका सम कितना है 468 स्क्वायर मीटर। ये भी दिया हुआ है डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर, उनका पैरामीटर का जो डिफरेंस है वो कितना है 24 मीटर। हमें मालूम क्या करना है, दोनों ही स्क्वायर्स के साइड्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर अजम्पशन हम लोग ले लें, लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मीटर, ठीक है। सेकंड अजम्पशन भी कर लें, अगर लेट द साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू वाई मीटर, देन पहला कंडीशन क्या है हमारा, एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 स्क्वायर मीटर, ठीक है सम। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर ये होता है आपका साइड स्क्वायर, दिस इंप्लाइज सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर कितना दिया हुआ हमें 468 स्क्वायर मीटर। सम ऑफ द एरिया ऑफ दोनों स्क्वायर का कितना हो जाएगा, फर्स्ट एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर का होगा एक्स स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 468, ये हम लिख देंगे 468, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से मार्क कर लेते हैं। सिमिलरली सेकंड कंडीशन में अगर देखेंगे तो पैरामीटर्स दोनों ही स्क्वायर्स का कितना है, डिफरेंस ऑफ द पैरामीटर 24 मीटर। तो पैरामीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या होगा 4x डिफरेंस मींस माइनस पैरामीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर 4y, ये कितना है हमारा 24। यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो क्या होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 24 अपॉन 4, ये क्या हो जाएगा 6। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, y राइट हैंड साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 6 प्लस वाई। इसको अगर हम ले लें इक्वेशन नंबर 2, अब इक्वेशन 1 में अगर हम x की वैल्यू सब्सिट्यूट करें 6 प्लस वाई तो क्या आउटकम्स आएगा वो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1,
जैसे इक्वेशन उनमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 प्लस वाई, ये हो जाएगा आपका 6 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 468, ये क्या हो जाएगा 6 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 468। अब 468 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया 2 वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 12 इंटू वाई, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर 36 माइनस 468, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा माइनस 432, दिस इक्वल्स टू 0। अगर इस फंक्शन को हम लोग फर्दर इवेल्युएट करें तो क्या आएगा, यहाँ से अगर हम लोग 2 कॉमन निकाले तो ये आपको इक्वेशन मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 वाई माइनस 2 इंटू 200, अगर 16 करेंगे तो ये हो जाएगा 432, दिस इक्वल्स टू 0। ठीक है, जैसा कि हमने देखा यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन आ रहा था वो क्या था, 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 432 इज इक्वल टू 0, तब इसका इक्वेशन क्या मिल गया हमें, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, जैसा कि आपके पास क्या है 216, ठीक है, कोएफिशिएंट y स्क्वायर का कितना है 1, तो अगर आप 216 का अगर एलसीएम फैक्टर निकालते हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर्स, इस फैक्टर को इवेल्युएट करने के लिए, इस फैक्टर को फैक्टराइज करने के लिए 6 को, 6y को, तो आपके पास दो फैक्टर्स आएंगे 18 और 12। साइन कन्वेंशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन कन्वेंशन किस में लगेगा, जो कि बिगेस्ट नंबर होगा। तो इस केस के लिए अगर हम लोग देखें तो ये क्या होगा, वाई स्क्वायर 18 सबसे बिगेस्ट है 12 से, तो ये हो जाएगा 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ से अगर हम y की वैल्यू कॉमन ले लें, ये हो जाएगा y प्लस 18 माइनस, यहाँ से अगर 12 की वैल्यू कॉमन ले तो ये हो जाएगा y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें दो फैक्टर्स मिल रहे हैं, पहला तो हमें मिलेगा y प्लस 18 का, दूसरा मिलेगा y माइनस 12 का, इस इक्वल्स टू 0। देयरफॉर y की वैल्यू, दो वैल्यूज आएंगे, एक माइनस 18 और दूसरी वैल्यू 12। तो जैसा कि हमें पता है कि नेगेटिव साइड जो हमें ये मिला है y इज इक्वल टू माइनस 18, तो स्क्वायर का नेगेटिव साइड तो हो नहीं सकता, किसी भी चीज़ का नेगेटिव साइड तो मेजर होता नहीं है, इसलिए हम लोग इस साइड को कैंसिल कर देंगे, y नॉट इक्वल टू माइनस 18, तो हमारे पास वैल्यू क्या बच गया, y इज इक्वल टू 12 का। ठीक है, तो साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर तो हमें मिल गया, y इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, दस साइड ऑफ द सेकंड स्क्वायर y इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 मीटर। हेंस अब हमें साइड किसका निकालना है, फर्स्ट साइड का, फर्स्ट स्क्वायर का, तो ये होगा एंड साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर का साइड क्या हो जाएगा, तो अगर आप गौर करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, यहाँ क्या है x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 6 प्लस y की वैल्यू क्या है 12, therefore x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 मीटर। ठीक है, तो जैसा कि हमने क्वेश्चन के बिगनिंग में ही लिख दिया था, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू x मीटर, साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू y मीटर, फिर दो जो हमें कंडीशंस दिए हुए थे, एक सम ऑफ द स्क्वायर्स वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468, दूसरा जो कंडीशन था वो था डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स, तो वो भी हमने लिख लिया था 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। फिर वहाँ से हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लाया, इक्वेशन 2 को हमने यूज़ किया इक्वेशन 1 में, उसको फर्दर सब्सिट्यूट किया x की वैल्यू, देन हमें यहाँ y की दो वैल्यूज मिली माइनस 18 एंड 12। तो जैसा कि हमें पता है किसी भी स्क्वायर का
कोई भी साइड नेगेटिव हो नहीं सकता है, इसलिए हमने माइनस 18 को नेगलेक्ट कर दिया। हमारे पास क्या बच गया, 12 मीटर, जो कि साइड ऑफ द सेकंड स्क्वायर। जो हमें साइड ऑफ द सेकंड स्क्वायर मिल गया 12 मीटर, तो इक्वेशन नंबर 2 को यूज करते हुए हमें क्या मिल गया, साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर, दैट इज 18 मीटर।